स्वच्छता में चार बार नंबर वन आने के बाद में इस समय हम आपको दिखा रहे हैं एक बेजुबान स्ट्रीट डॉग लड्डू, जिसे कहीं कचरे की थैली में आप देखिए, इसे यहाँ पर एक दही का या दूध का पैकेट मिल गया है और उसे खोलने के वो प्रयास कर रहा है, थैली को फाड़ नहीं पा रहा है, उसे भूख लग रही है। और वो आप देखिए यहाँ पर एक भगवान जी का फोटो भी है। अब आप बताइए कि ये क्या धर्म है, ये क्या बात हुई कि एक तरफ हम भगवान जी की तस्वीर को इस तरह कचरे के अंदर फेंक रहे हैं और दूसरी तरफ, भैया एक मिनट आएंगे, दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो लड्डू है इसको भूख लग रही है, दूध का पैकेट है लेकिन खोल नहीं पा रही। इसके दूध को पैकेट के खोलने के लिए हम इन भैया की मदद लेंगे और इंदौर के जो दयालु लोग हैं वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं, पर इंदौर नगर निगम मजाल है कि कचरे की पेटी के सामने एक बेजुबानों के लिए भोजन का पात्र लगा दे। भैया जरा इसकी थैली खोल देंगे, इसको बहुत भूख लग रही है, थैली काटे नहीं नहीं काटेंगे हम, खोल दे बाबू, आ जा, जब मैं खोल दूँ भैया चलो हम खोल के देंगे तुमको, ये देखिए ये लीजिए, खोल दीजिए इसको, पिला दीजिए। देखिए आप इंदौर शहर के दयालु लोग जो बेजुबानों के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। भैया ऐसे कोई प्लेट में रखिएगा ताकि वो अच्छे से पी सके। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए दया का अभ्यास होते हुए लड्डू ने दही खा लिया। तो आप बताइए कि नागरिकों को यदि बताया जाए, समझाया जाए तो कचरे में खाने योग्य खाना क्यों फेंकेंगे? पुण्य कमाने के लिए तो हर नागरिक बैठा हुआ है कोरोना काल में। हम हजार बार बोल चुके हैं इंदौर नगर निगम को कि स्वच्छता की गाड़ी पर बेजुबानों के लिए भोजन पानी प्यार की जागरूकता करिए, पर नगर निगम है कि टस से मस होने को तैयार नहीं है। सही बात है ना भैया? देखिए इंदौर के जो नागरिक है वो चाहते हैं कि ऐसी जागरूकता हो, पर जो नगर निगम है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। बाबू अब कोई खाना नहीं है, कोई खाना नहीं है राजा, सो सैड। भैया थोड़ा इसको खाना दे देना प्लीज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप इधर के ही हो तो दे देना प्लीज। बाज 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 भैया, फिनिश हो गया राजा, फिनिश। कितनी भूख है, कितनी भूख है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खत्म हुए पैकेट को भी वो चाट रही है। एंड इट इज अ शेम ऑन आवर सोसाइटी, द सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पॉलिसी मेकर्स ऑफ दिस कंट्री हु आर रेडी टू जस्ट क्रिएट द वेदना फॉर ऑल दीज लाइव्स। भूखे रहो बच्चे, पर जागरूकता नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि गाइडलाइन में नहीं है। गाइडलाइन में होता तो जागरूकता कर देते। इनाम नहीं मिलने वाला है ना, हर चीज़ इनाम से शुरू होती है, पैसे से शुरू होती है और प्रमोशन से शुरू होती है। शर्मनाक। एंड आप लोग मुझे बोलेंगे कि आप खिला देते, तो भाई मैं कितनों को खिलाऊँ? शहर के अंदर 80,000 डॉग हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन का काम है, जो जहाँ खड़ा है वो खाना खिलाएगा तब जाके इनकी भूख शांत होगी। जहाँ कुत्ता है वहाँ इंसान है, जहाँ इंसान है वहाँ कुत्ता है। तो यदि जागरूकता कर दी जाए ना तो कोई भी जीव भूखा नहीं रहेगा। व्हाट अ शेम, लुक एट दिस पीपल, दिस इज माई इंदौर, लुक एट दिस। भगवान की तस्वीर के सामने एक भूखी आत्मा इस तरह से कचरे में से भोजन बीन रही है। गॉड ओनली हेल्प अस। जय हिंद।